नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजीर और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। पिछले 72 घंटे की हुई जांच के दौरान 664 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसमें अधिकतर वो लोग शामिल हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ आए हुए हैं। 23 से 30 मार्च के बीच राज्य में 1609 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें जहानाबाद में 11, कटिहार में 8, पटना में 19 और सिवान में 9, वहीं भागलपुर में 7 मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या अब बढ़कर 1455 हो गई है। कई राज्यों में कोरोना के संकट गंभीर हो गए हैं, इसे लेकर केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले से ही कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में है और ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना जांच करवाई जा रही है। वहीं लॉकडाउन लगाने के सवाल पर कहा कि सूबे में लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है और न ही स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना मामले में बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर बताई। वहीं सीएम ममता बनर्जी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दीदी अपनी पराजय स्वीकार कर चुकी है, इसलिए अनर्गल बयान दे रही है। अभी भी कल शाम तक हमारे पास जो राज्य में एक्टिव केसेस थे वो 1500 के आसपास थे। पूर्व का आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पहले जब हम लोगों के यहाँ रात का कर्फ्यू या लॉकडाउन होता था, उस समय इससे कई गुना अधिक मरीज थे और हम लोगों ने फिर स्थिति को नियंत्रण करके काफ़ी कम कर दिया था संख्या को। इसलिए अभी 1500 की जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो आप देख रहे होंगे, कई जिले में 4-6 ऐसे करके भी मरीज हैं, कहीं 15-20 है। तो संख्या ऐसी नहीं है कि अभी हम इस दूरी तक सोचें, इस दूरी तक विचार करें, और देश के दूसरे राज्यों की जो स्थिति है वो स्थिति बिहार की नहीं है। लेकिन हम सभी चीजों पर निगरानी रख रहे हैं और सतर्कता बढ़ते हुए जो सारी आवश्यक। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में कोरोना से 7 छात्र संक्रमित हो गए हैं। छात्रों के संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। सभी छात्रों को विश्वविद्यालय के अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। इसके साथ ही पहले चरण में विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का कोविड जांच कराया जा रहा है, वहीं दूसरे चरण में छात्राओं का कोविड जांच कराया जाएगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा को 12 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उनको बाकी बच्चों को भी हमने टेस्ट करवाया, तो पहले दिन हमने 80 बच्चों को टेस्ट करवाया, उसमें से 7 बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उनको कल शाम को हमने फिर से उनको आइसोलेट करके हॉस्पिटल में रख दिया है। एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर से हमने पूछा क्या किया जाए, तो उन्होंने यही कहा कि अभी फ़िलहाल आप उन्हें आइसोलेट कर दीजिए, फिलहाल क्लासेस सस्पेंड हैं संडे तक और एग्जाम। वहीं झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने राजधानी रांची में धारा 144 की समय अवधि 30 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही सरहुल, रामनवमी, ईस्टर सहित धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा मरीज मिलने से झारखंड सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। हर रोज संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसी क्रम में राजधानी रांची में बीते 24 घंटों में 262 नए मरीज मिले हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पहले 30 मार्च तक धारा 144 लगाई गई थी राजधानी रांची में, अब राजधानी रांची में धारा 144 को 30 अप्रैल तक बढ़ाकर कर दिया गया, यानी कि प्रशासन अलर्ट मोड पे और कड़े निर्देश जारी कर रहा है। सरहुल, रामनवमी, तमाम जितने धार्मिक उत्सव होते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी बेफिक्र होकर दिख रहे हैं, इसकी वजह से कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। तो झारखंड की खबर है, जहां झारखंड में राजधानी रांची में धारा 144 को 30 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है।